हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से मेरे नए चैनल पर स्वागत है। मैं फिर से खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। तो चलो दिखाते हैं इन दिनों मैंने क्या क्या किया। ये देखिए, इधर बना दिया पूरा लाइब्रेरी। इतना जो जो बुक है ना, मालूम नहीं ये कौन सा क्या काम करता है। तो बताना प्लीज़, कौन सा क्या काम करता है मालूम नहीं, बताना ज़रूर। ये डायमंड का शवल, ये डायमंड का स्वॉर्ड, सब डायमंड का बना लिया। तो हम आपको डायमंड भी दिखाएंगे कितना माइनिंग किया मैंने। और ये विलेजर देखिए कितना विलेजर हो गया। अभी कुछ लाइब्रेरियन विलेजर तो अभी मैक्स है। और ये आयरन गोलम, ये खुद स्पॉन हुआ है, इधर बहुत स्पॉन हो जाता है। एक को मारो तो दो स्पॉन हो जाता है, दो मारो तो चार, बहुत स्पॉन होता है ऐसे ही। तो इन लाइब्रेरियन को भी मैंने बहुत ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करके इतने बुक्स मिला। तो मालूम नहीं मुझे पता नहीं कौन सा बुक किस में लगाना चाहिए, क्या काम करता है, कुछ एबिलिटी मालूम नहीं है। तो आप लोगों को इसका नाम देखिए, इसका नाम देखिएगा ना क्या रखा है इसका नाम। इसका नाम रख दिया मैंने मामू वन रख दिया। ऐसे मैंने सारे विलेजन का नाम रख दिया, उनसे ही नेम टैग लेकर उनका ही नाम रख दिया। आप लोग बताना प्लीज़, और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताना, अच्छा लगा या बुरा लगा कुछ तो बताना भाई। और ये जितना भी लाइब्रेरियन है उन सब में मैंने नेम टैग डाल दिया है अभी। मैंने वो ये देखिए जितना भी है उतना नाम नेम टैग लगा दिया। तो अभी पहले सो लेता हूँ, सुबह कुछ और भी दिखाएंगे सुबह। अरे बाहर निकल गया, बाहर जाकर दिखाते हैं मैं हमको। ये देखिए, ये तो दिखाई आपने भाई, कहाँ आ गया तू, निकल जा भाई, निकल जा, मर गया। ये देखिए, ये विलेज इस तरफ जो रूम बना है ना, मैं दोनों तरफ बनाऊंगा। तो पूरी रात मैंने एक्सपी कलेक्ट किया वो बुक्स लगाने के लिए, एंटेनमेंट करने के लिए। तो मुझे मालूम नहीं। ये देखिए मेरा जाइन क्या शुगर कैन फार्म, कैसा लगा आप लोगों को। मैंने इसका थोड़ा बनाया था, अभी ऑफलाइन पूरा बना लिया। तो देखिए कितना है, बहुत था फुल था, लेकिन मैंने ट्रेड करते करके एक ख़त्म कर दिया अभी। तो जितना बचा है तो इतना ही बचा है अभी। तो मुझे लगता है एंचेंटमेंट करने के लिए एक्सपी चाहिए। तो मेरे पास तो जितने रात को जितने भी मॉब्स होते हैं मार देता हूँ, ऐसे तो बहुत कम एक्सपी मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक एक्सपी फार्म बनाते हैं। एक ग्रीन डॉट यदि अगर यह लगा दिया तो ये पूरा डॉट ग्रीन हो जाएगा, तो इसलिए इधर लगा दिया। तो मैं सोच रहा था एक्सपी फार्म बनाते हैं। मैंने एक एक्सपी फार्म बनाया था लेकिन उसमें कुछ काम नहीं किया, तो इसलिए तोड़ दिया। तो फिर से कोशिश करता हूँ इस बार थोड़ा बड़ा और थोड़ा मजबूत, जिससे एक्सपी मिले, बड़ा एक्सपी फार्म बनाते हैं। तो ये हमारा विलेज है, विलेज या कैसल बोलो कुछ भी करो, यह मेरा घर है। तो देखिए कैसा लगा। तो इस बाद में प्लीज़ लाइक कर देना एक। तो इसको इधर बांध दिया क्यों, यहाँ बहुत मॉब स्पॉन होता है, खिड़की से देखता रहता है विलेजर को मॉब स्पॉन होकर, इसलिए इसको यहाँ बांध कर रख दिया। मैं सोच रहा हूँ आज ऐसा फार्म बनाएंगे जो एक्सपी भी देगा साथ में और भी कुछ देगा। एक बड़ा बिग गोल्ड फार्म बनाएंगे हम, हमें गोल्ड भी मिलेगा और एक्सपी भी मिलेगा। तो उसके लिए जो जो चाहिए ले लेता हूँ, पहले वो सब चीज़ ले लेता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए इसके बाद क्या करूँ। नेदर में भी जाएंगे हम, नेदर एक
सब्सक्राइबर ने बोला है मुझे नेदर में फोर्ट्रेस ढूंढना है, फोर्ट्रेस में कुछ मॉब होता है उससे भी देखने जाएंगे हम, तो देखते रहिए सीरियल हिसाब से लाइन बाय लाइन हम वीडियो डालते रहेंगे, तो तब तक के लिए देखते रहिए, हम जाएंगे नेदर में जाएंगे भाई, तो तब तक के लिए देखते रहिए। ये देखिए मैंने बनाया था ना ये ऑटोमेटिक फार्म, ये देखिए काम कर रहा है भी यहाँ पर, ये विलेजर उसको कुछ दे रहा है तो वो पकड़ नहीं पाएगा, वो जो भी दे रहा है वो सर्च हॉपर सर्च से नीचे सर्च में सेस में चला जाएगा। तो अभी रात हो गया तो थोड़ा फिर मॉब्स मारते हैं। और भाई तेरे पास क्या है भाई? अच्छा केल्प है भाई, इससे मैं केल्प ले लेता हूँ थोड़ा, यह अगर बाहर ना निकले इसलिए इसको पूरा ढक दिया, मैंने एमरल रख दिया था इधर, तो ये लेकर जाते हैं। ये देखिए उसको ये बाहर ना निकले इसलिए इसको पूरा क्लेप ये ले लेते हैं, ये बहुत काम आता है, ये मालूम नहीं कहाँ मिलता है। तो और ये स्टोन क्या है, ये लाइट जैसा, देखो ये भी लेते हैं, इसका नाम क्या है, जितना होता है उतना ले लेते हैं, बारह 12 केल्प मिल गया। तो फिर निकल, पहले इस यहाँ सो लेता हूँ, तो इतना दिन लेट वीडियो डालने के लिए सॉरी, क्यों मैं ऑफलाइन काम कर रहा था कुछ ये बनाने के लिए, ये सब बना दिया ऑफलाइन किया था। तो वो देखिए मेरा आयरन फार्म, और इसमें इस बो में मैंने पावर वन पावर लगाया, बहुत चीज़ लगाया मैंने, मेरे पिकेक्स में सिल्टक्स भी लगाया, बहुत कुछ लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं गोल्ड फार्म बनाएंगे, तो हम 10 ब्लॉक ऊपर जाकर 23x23 ये ऑब्सिडियन लगाएंगे, 23x23 पहले ये लगा लेते हैं, और मेरे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था तो ऑक्सीजन लेकर आते हैं। तो भाई ये क्या है, अच्छा लगा इसको ले लेते हैं, चलो चलो भाई, वाओ गोल्डन कलर भी है भाई यहाँ पर, तो दोनों को ले लेते हैं। और एक कहाँ गया, और दो ले लिया, तो इसको बाद में रख दूँगा, अभी संभाल कर रख देता हूँ, बाद में काम आएगा इसको। तो अब मैंने ऑब्सीडियन लेकर आया, तो अभी 23x23 तक एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं, हो गया। अभी हमको इसको लाइट अप करना है, तो देखते हैं ये पिगलिन इसमें से जो निकलेगा ना इसको पिगलिन कहते हैं, तो ये पिगलिन किस तरफ से बाहर निकलता है वो देखना है हमको। अरे टूटना, इसको ही तोड़ना पड़ेगा शायद, फिर से देखना पड़ेगा किस तरफ से वो पिगलिन बाहर निकलता है, तो फिर से लाइट अप करना होगा एक बार। उस तरफ से गिरा है, और एक बार देख लेता हूँ, और एक बार हाँ उस तरफ ही गिरा है, तो उस तरफ से हमें कुछ इस ऐसा बनाना होगा जो पिघली नीचे ना गिरे, तो हम इधर
दो ब्लॉक ऊपर कर लेते हैं, एक दो तीन ब्लॉक ऊपर कर लिया। अब इस साइड से भी करना है, इसको तोड़ना हो गया गलत लग गया। अभी इसके नीचे लगाना है एक ब्लॉक। अरे नहीं लग रहा है क्या, हाँ हो गया। अभी साइड इस तरह से लेकर जाना है वहाँ तक। तो हमें उतना ही ले जाना है जितना एक बकेट पानी जाता है। आठ ब्लॉक तक सीधा लाना है, स्ट्रेट लाना है आठ ब्लॉक, एट ब्लॉक तक। तो मैंने अभी गलती से पूरा स्ट्रेट लेकर गया है, तो हमें एट ब्लॉक से नीचे भी लेकर जाना है, तभी पानी आएगा ना। तो ये कर लेते हैं पहले। ग्लास इसलिए लगाया, ये देखिए एट ब्लॉक तक पानी जाता है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा अभी। तो ये इसको तोड़ लिया, इस तरह बनेगा। मैंने ग्लास इसलिए लगाया कि पिगलिन जब स्पॉन होगा ना तो देखने में अच्छा लगता है, इसलिए वो दूर से देख पाएंगे ना पिगलिन जब स्पॉन होगा, तो इसलिए मैंने ऐसा लगाया। तो इस तरफ हमें ये ऑब्सीडियन अपने आप जले, इसलिए हमें लगाना है इस तरफ ऑब्जर्वर लगाना है। एक ऑब्जर्वर का मुंह इस ऐसा नहीं है, इसको तोड़ लेता हूँ पहले। अरे भाई गिर गया, बहुत बार गिरता हूँ, बहुत बार मारता हूँ ऐसे ही। इसका मुंह इस ये फिर से गलत लग गया। एक ऑब्जर्वर का मुंह कुछ इस तरह लगेगा, ये सच गलत है। इस तरफ नहीं, मुझे उस तरफ जाना होगा। इस ऑब्जर्वर का मुंह इस तरफ होगा, उस तरफ जाएगा मुंह, और इसका मुंह उस तरफ जाएगा। इसका बिन जो लाल वाला है ना वो मेरे साइड से आएगा। तो हमको इधर फाइव ऑब्जर्वर लगाना है, मतलब वो लास्ट वाला धोड़ के इसको धोड़ के सिक्स ऑब्जर्वर होगा। तो एक ऑब्जर्वर उल्टा साइड होगा और पास फाइव ऑब्जर्वर उसके अपोजिट साइड होगा। तो हमें इसको पूरी तरह से कवर करना है। हमें अभी यहाँ पर डिस्पेंसर भी लगाना है। तो इसके अंदर हमने एक वाटर बकेट रख दिया, पहले तो इसका काम कर लेते हैं। हमें इसको पूरी तरह से कवर करना है, ब्लॉक भी ज़्यादा नहीं है, फिर से लाना पड़ेगा साइड। इसको पूरी तरह से कवर कर दिया, तो अभी दो ब्लॉक ऊपर लेकर जाना है फिर से। इसको दो ब्लॉक हाइट करना है अभी, हाँ इसको तोड़ लेते हैं, ये बेकार है, ये काम का नहीं। हाँ ये लास्ट ऑब्जर्वर को ढक देते हैं ब्लॉक। अरे लास्ट ऑब्जर्वर को कवर कर देते हैं, और जितने भी फाइव ऑब्जर्वर है ना एक साथ, जिस तरह एक साथ बताया था फाइव ऑब्जर्वर, उसको खोला रख देते हैं। तो इसको ये ज़्यादा हो गया, इस तरह लग गया। हमें अभी इसमें ट्रेडरो लगाना है, इस तरह ट्रेडरो लगाना है, फिर इसको बंद करना है या खोलना कहते हैं, इसको मालूम नहीं क्या कहते हैं मालूम, इसको बंद ही करना कहता होगा। अभी हमको ऊपर जाना है, हमें अभी लावा बकेट चाहिए, लावा चाहिए हमको, तो लेते हैं। हमें ये लावा ये बीच में रखना होगा ऑब्जर्वर के ऊपर, इधर रख दिया। तो ये अपने आप लाइट अप होगा और ये अपने आप काम करते रहेगा, तो मुझे लाइट अप नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हमें यहाँ पर लगाना होगा ऑब्जर्वर, यहाँ पे अभी हमें दो ऑब्जर्वर लगाना है। एक ऑब्जर्वर का मुंह उस तरफ होगा, मतलब इस तरह, और एक उस तरफ होगा इसका ऑपोजिट। एक ऑब्जर्वर का मुंह इसका ऑपोजिट साइड होगा,
इसको लगाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इस तरह होगा। तो ये काम कर रहा है अभी। तो मैंने उस उधर एक पत्थर रख दिया ना, कोबल स्टोन रख दिया, इसलिए ये लाइट अप नहीं हो रहा है। तो हमें इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए भी हमें स्टिक पिस्टन चाहिए, क्या कहते हैं इसका नाम, क्या पिस्टन कहते हैं, रुको, स्टिकी पिस्टन चाहिए। तो इसको कारण भी देना होगा हमें, रेस्टोन टॉर्च भी चाहिए, और ये ब्लॉक जितना भी है तोड़ लेता हूँ, ये काम का नहीं है। यहाँ पर एक रेस्टोन टॉर्च आएगा, इसके ऊपर आएगा एक, अभी यहाँ पर रेस्टोन से कनेक्ट कर देते हैं। ये तोड़ लेता हूँ, ये काम का नहीं है। तो एक ब्लॉक गैप में आप ये रेस्टोन टच लगेगा, एक ब्लॉक गैप के गैप में मैं इसको तोड़ लेता हूँ, फिर इसको और ये नीचे वाले को तोड़ लेता हूँ, ठीक है। अभी इसमें इस गैप में रेस्टोन टच लगेगा, लगा लेता हूँ पहले। इस तरह रेस्टोन टच लगेगा, और नीचे वाले में लीवर लगेगा, लीवर से हम ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसको लीवर लगा दिया, तो इसको ऑन, ये ऑफ हो गया, अभी ये अभी ऑन हो गया। तो ऊपर जाकर वो हटा देते हैं, कोबल स्टोन हटा देते हैं, जिसके लिए वो काम नहीं करा अभी। तो ये कलेक्ट कर लेते हैं, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अरे भाई ये टूट गया था। तो अभी देखिए ऊपर का काम तो हो गया, अभी नीचे जब ये पिगलिन आएगा ना, उसको मारने के लिए उस एक वो एक साथ एक जगह में रहने के लिए, इसके लिए ये बना रहा हूँ, जो हम आसानी से उसको मार सकेंगे। तो ये थोड़ा और नीचे होता तो अच्छा होता, और जितना नीचे होगा, जितना नहीं 20 ब्लॉक नीचे होने से ये हाफ एचपी या 1 एचपी में बचेगा, तो एक शॉट में ही मर जाएगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही नीचे बनाया, तो इसके बाद में, इसके बाद का वीडियो में मैं पूरा दिखा दूंगा आपको कितना नीचे तक बनाया मैंने और कैसा बनाया, पूरा दिखा दूंगा। तो आप अभी के लिए टेम्पोरली जब मुझे ये देखिए लाइट अप हो गया अपने आप, तो इसको मैं ऑन करूँगा ना, कहाँ गया ये, इसको मैं ऑन करूँगा ना, तो ये देखिए अपने आप ये स्पॉन होते रहेंगे, ये अपने आप लाइट अप होगा, अपने आप ऑफ हो जाएगा। ये जितने हमने लावा लगा था उससे लाइट अप होता है, और ये डिस्पेंसर से ऑफ होता है। तो फाइनली ये हमारा गोल्ड फार्म कंप्लीट हो गया। ये हम अभी दूर से दिखाते हैं आपको, चलो थोड़ा दूर से दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा गोल्ड, फिर मिलेंगे आप लोगों को न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Murder on call with the partner. 20 years in the same like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell it in it?